यदि ईमानदारी से चुनाव हुआ तो किसी हालत में भाजपा की सरकार नहीं बनती और ना एनडीए को बहुमत मिल पाएगा। आज देश में लोकतंत्र संकट में है। पांचवा आज फेज के वोटिंग है, छठा 25 को है और आखिरी 1 को है। यदि ईमानदारी से चुनाव हुआ तो किसी हालत में भाजपा की सरकार नहीं बनती और ना एनडीए को बहुमत मिल पाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो जनता उमड़कर सामने आ रही है, विशेषकर नौजवान, दलित और गरीब मजदूर, भारी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। अभी बार बार 400 पार की बात करते हैं, 400 पार कहाँ से हो जाएंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि 400 पार करने के लिए इन्हें लगभग 97 सीटें और चाहिए एडिशनल, वो कहाँ से आएंगी। लेकिन मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देश में लोकतंत्र संकट में है। जिस तरह से सूरत में, जिस तरह से इंदौर में इन्होंने दबाव डालकर झूठे प्रकरण बनाकर लोगों के फॉर्म विड्रॉ कराए हैं और जिस तरह से धौंस धपट दी जा रही है, वो एक आने, अगर ये सरकार इनकी चलती रही तो आने वाले समय में लोकतंत्र पर खतरा है। और लोकतंत्र के खतरा के साथ साथ 400 पार का उद्देश्य क्या है? कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह चुके हैं कि हमें संविधान बदलना है और संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार की आवश्यकता है। अभी 2 दिन पहले जयराम रमेश ने, हमारे मीडिया चेयरमैन ने, महंत आदित्यनाथ जी के वेबसाइट से एक लेख, उनका द्वारा लिखा हुआ लेख, किस प्रकार आरक्षण जो है देश के लिए खतरा है, इस प्रकार का लेख जो उन्होंने लिखा था, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। ये उनकी जो आंतरिक मानसिकता है वो इससे परिलक्षित होती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस देश में यदि गरीबों, मजदूरों को, किसानों को हक दिलाना है, अमीर और गरीब की खाई कम करना है, तो जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आने पर जो भाजपा ने कुछ लोगों को अरबपति खरबपति बना दिया, हम जितना पैसा उनके पास गया है उतना ही हम गरीबों में बांटेंगे। और इन्होंने कुछ लोगों को अरबपति खरबपति बनाया, कांग्रेस पार्टी करोड़ों को लखपति बना देंगे। और 2019 के हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात थी कि गरीब परिवार की महिलाओं को 6,000 रुपये माहवार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम दी जाएगी, लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। लेकिन अब फिर से हमने इस बात को देख करके कहा है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को 8,500 रुपये माहवार, यदि साल भर में 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह से युवाओं को भी, जिस तरह से एक जैसे वो ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको अप्रेंटिसशिप में लिया जाएगा, हुनर सिखाया जाएगा और 1 वर्ष के लिए उन्हें 1,00,000 रुपये के हिसाब से 8,500 रुपये माहवार दिया जाएगा। ऐसे अनेक हमारी 5 गारंटियां हैं और ये ऐसी वैसी गारंटी नहीं है जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत हैं, राहुल गांधी के दस्तखत हैं। ये हमारी गारंटी कोई जुमला गारंटी नहीं है, ये ईमानदारी से सोच समझ के दी गई गारंटी है। और हम वादा करते हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो पूरे तरीके से एक एक गारंटी के आधार पर हम काम करेंगे।
किसानों का कर्जा माफ करने की भी बात करेंगे। इस 10 साल में किसान और मजदूर का एक पैसे का भी कर्ज माफ नहीं हुआ, एक पैसे का भी। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ, 16 लाख करोड़ का। ये सारे वो लोग हैं जो पैसा ले ले